of conversation with news 18's amish devgan bjp chief jp nadda discussed prime minister modi's mantra of sabka sad sabka vikas nadda in fact criticized the congress accusing them of practicing divide and rule politics and highlighting their manifesto focuses on creating divisions listen in to what that exclusive conversation can actually bring to you इंडिया अलायंस इंडी गठबंधन जो है वो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स को कर रहा है और बहुत सारे आपके नेताओं के बयान है प्रधानमंत्री मोदी का हेमंत बिस्वा शर्मा का मैं एक एक करके बयान क्या सबके बोलूं लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव को आप विकास से तुष्टिकरण की तरफ ले गए और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आपने खुद बोला अपनी एक बाइट में कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है देखिए बात सच्चाई है सबसे पहली बात कि मोदी जी ने इस देश की सेवा बतौर प्रधानमंत्री दस साल और दस साल में उन्होंने गांव गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित युवा किसान महिला सबकी चिंता की और जितने भी प्रोग्राम जितने भी कार्यक्रम जितने भी स्कीम्स मोदी जी ने लॉन्च की उसका एक मंत्र था सबका साथ सबका विकास जी। सबका विश्वास सबका प्रयास बहुत प्रयास से और बहुत अथक प्रयास से मोदी जी ने देश की पॉलिटी को देश के लोगों को एक समरसता में जोड़ने का काम किया और कभी उन्होंने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से इतने मुसलमानों को घर बने हैं कभी उन्होंने नहीं कहा कि उज्ज्वला योजना में इतने मुसलमानों को घर रख दस साल ऑन रिकॉर्ड जी है। सारे देश को एक एक रूप में ला करके उन्होंने सेक्यूलरिज्म का एक पॉजिटिव उदाहरण लेकिन जो मैं पूरी बात कर उन्होंने पूरा उदाहरण देकर के पॉजिटिव रूप में इस बात को रखा और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में षड्यंत्र पूर्वक शब्द मेरा सुनिएगा षड्यंत्र पूर्वक चालाकी से फिर से विभाजन की बुई बुईज को बोने का काम किया हमारा आइडियोलॉजिकल झगड़ा क्या है जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट टू नन दिस इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। उनका उनका नारा क्या है डिविजन एंड रूल डिवाइड एंड रूल जब सबको सारी चीजें मिल रही है और हमें उसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे प्रधानमंत्री क्यों क्योंकि हम जितना ये चर्चा करेंगे उतना सोसाइटी डिवाइड होती है आपने अपने मैनिफेस्टो में पैरा वन पैरा फाइव पैरा सिक्स में आपने लिखा कि हम माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रेफरेंस देंगे आपने लिखा कि हम एजुकेशन में उनको हम स्पेशल रिजर्वेशन देंगे आपने लिखा कि हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे अगर आप ये लिखते हैं तो माइनॉरिटी आएगा ही आएगा क्यों क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि देश को एक नजर से देखो जस्टिस टू ऑल सबको ये 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 तुम अलग अलग देखने का काम क्यों करते हो लेकिन तुमने किया फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि ये वो लोग हैं जिनका विश्वस डिजाइन है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम का है मैं नहीं कह रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा और एक बार नहीं कहा दो बार कहा है लेकिन लेकिन एक मिनट सुनिए जी और राहुल गांधी ने वो अपने भाषण में कहा कि माइनॉरिटीज को हम रिजर्वेशन देंगे